यमुनानगर के एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ ने दो चोरों को चोरी की 10 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी यमुनानगर से बाइक को चोरी करने के बाद उसे उत्तर प्रदेश में ले जाकर बड़ी ही आसानी से बेच देते थे। यही नहीं, कुछ बाइक को तो यह 4 से 5 हज़ार रुपये में बेचते थे। यमुनानगर पुलिस को इन दोनों चोरों की लंबे समय से तलाश थी और ऐसे में गुप्त सूचना के आधार पर एंटी व्हीकल स्टाफ ने जब इन दोनों को गिरफ्तार किया तो उनके पास एक चोरी की बाइक बरामद हुई। पूछताछ के बाद इसे एक के बाद एक लगभग 10 बाइकें बरामद हुई। हालांकि इन दोनों चोरों से अभी पूछताछ की जा रही है और यह अनुमान लग रहा है कि पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इनको कोर्ट में पेश कर इनका पुलिस रिमांड लेगी, जिसके बाद इन आरोपियों से और भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। बता दें, यमुनानगर में इन दिनों बाइक चोरी की वारदातें बढ़ी हुई थी और एंटी व्हीकल स्टाफ इन चोरों की तलाश कर रहा था। फिलहाल उनके पकड़े जाने के बाद यमुनानगर में बाइक चोरी के मामले कुछ राहत मिलेगी। हमारी टीम को आज सूचना मिली थी कि दो बाइक चोर जेल चौक से होते हुए यूपी तक जाएंगे। जिस सूचना पर हमारी टीम ने जेल चौक पर नाकाबंदी करके दोनों चोरों को चोरी की बाइक में काबू किया। उसके बाद पूछताछ पर उनसे टोटल 10 बाइक पर चोरी की बरामदगी, इनमें से 3 बाइक की शनाख्त हो चुकी है, बाकी 7 बाइकों के बारे में जाँच चल रही है। यह दोनों चोरों ने पूछताछ में बताया कि वह बाइक चोरी की हुई बाइकों के स्पेयर पार्ट खोलकर बेचते थे।